हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मिसिंग व्यू ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके दो प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मिसिंग व्यू का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा फिगर शोज द फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ इट्स मिसिंग व्यू दैट इज टॉप व्यू। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। यहाँ पे फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया हुआ है और हमें मिसिंग व्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे टॉप व्यू मिसिंग है वो हमें फाइंड आउट करना है और ये हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बनता है, एक्स वाई लाइन के नीचे टॉप व्यू बनता है। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू ऊपर दिया है तो टॉप व्यू इसके नीचे बनेगा, यहाँ पे टॉप व्यू बनेगा, ये कंफर्म है। और यहाँ पे साइड व्यू भी दिया है, साइड व्यू ये जो दिया है ये कौन सा साइड व्यू है, ये है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। कैसे समझ में आ रहा है वो, इसीलिए क्योंकि फ्रंट व्यू के राइट साइड में ये बना है इसलिए ये है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। दो प्रकार के साइड व्यू होते हैं, एक होता है राइट हैंड साइड व्यू और दूसरा होता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अगर ऑब्जेक्ट को राइट साइड से देख के साइड व्यू बना रहे तो वो होता है राइट हैंड साइड व्यू, और अगर आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से देख के साइड व्यू बना रहे तो वो होता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। राइट हैंड साइड व्यू हमेशा बनते समय लेफ्ट साइड में बनता है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमेशा बनते समय राइट साइड में बनता है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का रूल है जो इसके पहले के सभी वीडियोस में हमने बताए थे। तो चलो फिलहाल हम यहां पे मिसिंग व्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि टॉप व्यू मिसिंग है वो हमें यहां फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा वो सुनिए। सबसे पहले यहां पे जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया है वो फ्रंट व्यू साइड व्यू का यूज करके आपको एक थ्री डायमेंशनल व्यू तैयार करना पड़ेगा। इट मींस आपको एक ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा और वो देख के फिर आप यहां पे टॉप व्यू बनाएंगे। इसका क्या मतलब है तो यहां पे समझना बहुत ही आसान है। देखिए ये जो व्यू दिया है फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ये क्या है, ये है टू डायमेंशनल व्यू। अगर आप ये टू डायमेंशनल व्यू का यूज करके थ्री डायमेंशनल व्यू बना लेते हैं तो आप वो थ्री डायमेंशनल व्यू को देख के आसानी से यहां टॉप व्यू बना सकते हैं। तो वो थ्री डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करने के लिए ये देखिए हमने यहां पे आइसोमेट्रिक एक्सिस बना के रखे हैं। यहां पे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ऐसे हमने तीन एक्सिस बनाए। ये x एक्सिस और z एक्सिस 30 डिग्री से इंक्लाइंड है और y एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है। यहां पे अगर हम थ्री डायमेंशनल व्यू करेक्ट बना लेते हैं तो फिर वो देख के आसानी से यहां पे टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हैं और वो टॉप व्यू ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किए थे। और यहां पे जो भी हम व्यू बनाएंगे, जो थ्री डायमेंशनल व्यू हम बना रहे हैं वो पूरा रफ है। यहां पे जो भी बनेगा वो रफ वर्क बनेगा, यहां पे फेयर वर्क नहीं बनेगा। एग्जाम में भी अगर आप ड्रॉ करेंगे इस टाइप का व्यू तो वो पूरा आप रफ बनाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मिसिंग व्यू। यहां पे हमें सिर्फ मिसिंग व्यू फाइंड आउट करना है जो कि टॉप व्यू है, हमें सिर्फ वो फाइंड आउट करना है। तो एग्जाम में जब आप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ड्रॉ करोगे तो आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, बस ये तीन व्यू ड्रॉ करके सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करना है, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये भी लिखा होता है कि ऑल्सो ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। ऐसे में अगर आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला है तो ऐसे में आप जो आइसोमेट्रिक व्यू बनाओगे वो फिर आप एज अ फेयर वर्क बनाओगे, वो फिर आप रफ में नहीं बनाएंगे। आपको एज अ फेयर वर्क पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा बाय यूजिंग ओरिजिनल डायमेंशन। आपको यहां पे एक आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके मार्क्स काउंट होंगे। इसके मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन में लिखा है आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करो तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके मार्क्स काउंट होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ मिसिंग व्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो आपको यहां पे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू जो है बस वो आपको ड्रॉ करना है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। जो आप यहां बनाओगे उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलो फाइनली अब हम यहां पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले यहां पे ऑब्जेक्ट को इमेजिन करके यहां पे आइसोमेट्रिक व्यू उसका ड्रॉ करना है। तो आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनेगा देखिए, अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ये जो है हमने क्या कहा था, ये कौन सा साइड व्यू है, ये है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्योंकि वो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बना है। तो हम यहां पे लिख लेंगे एल एच एस वी, एल एच एस वी मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से देखा गया है। ऑब्जेक्ट जो यहां पे बनेगा वो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से देख के साइड व्यू बना रहे तो हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट साइड से इसका मतलब ये इधर से देखो, इधर से देख के आपको साइड व्यू ड्रॉ करना है।
तो हम यहां पे लिख लेंगे कि यहां से देख के हम क्या कर रहे हैं, यहां से देख के हम साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से देख के फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, ये कंफर्म हो गया। तो साइड व्यू अगर आप लेफ्ट साइड से देख के ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो साइड व्यू में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो साइड व्यू में यहां पे सबसे पहले एल सेक्शन है, देखो ऐसा एल है, तो अगर ये एल है तो यहां पे हम एल जो है आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए यहां पे हम सीधा एल बना देंगे और ये जो है हम पूरा रफ में बना रहे फिलहाल, और ये रफ में बनाते समय आपको ओरिजिनल डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही जो है रफ वर्क बना सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम यहां एल बना लेंगे और एल ड्रॉ करने के बाद फिर हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था कि हमें एक एल शेप यहां पे ड्रॉ करना है, तो ये देखिए ये हमने एल शेप बना लिए हैं। इट मीन साइड व्यू से जब आप इधर से देख रहे हैं तो आपको ये एल दिखाई दे रहा है, तो आपको ये साइड व्यू में ये एल जो है वो कवर हो जाएगा। और ये होने के बाद अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो अब आपको फ्रंट व्यू का बेस चेक करना पड़ेगा। फ्रंट व्यू का बेस क्या है, क्योंकि इधर से देख के आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो ये देखिए फ्रंट व्यू का बेस कितना है, बेस का लेंथ कितना है 30, देखिए 10 10 10 तो ये 30 है। इसका मतलब यहां से इधर आपको 30 का यहां पे बेस लेना है। तो हम एक काम करेंगे, ये कॉर्नर से इधर 30 लेंगे, ये कॉर्नर से भी 30 लेंगे, ये कॉर्नर से भी 30 लेंगे, सभी कॉर्नर से हम यहां पे 30 लेंगे। तो ये देखिए सभी कॉर्नर से हम ऐसे 30 लेके गए हैं। और अब अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ये जो यहां से आपने 30 लेके गए, नीचे के दोनों कॉर्नर से यहां आप ज्वाइन कर देंगे और ये देखिए एक रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इधर से देखिए आप फ्रंट व्यू बना रहे हैं और ये आपको एक पहला रेक्टेंगल मिल गया फ्रंट व्यू में। अब आपको चेक करना पड़ेगा फ्रंट व्यू में यहां पे रेक्टेंगल है क्या, ये देखिए यहां पे फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल नहीं है। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे देखिए बीच में ऐसा ऊपर उठा हुआ है इतना हिस्सा, तो हमें यहां पे वो शो करना पड़ेगा और वो शो करना काफी आसान है। यहां पे अगर हम वो शो करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये बीच का हिस्सा यहां पे खाली कर लेंगे और यहां पे हम आसानी से शो कर सकते हैं। ये देखिए इसका हाइट कितना है, तो ये देखिए टोटल हाइट इधर 15 है, इसका मतलब यहां से यहां तक 10 और फिर 5, तो ये हम यहां बना सकते हैं काफी आसानी से। तो ये देखिए फ्रंट व्यू में हमने ये नीचे का इतना हिस्सा बना लिए हैं, ये देखिए ये जो है इतना पोर्शन हमने यहां पे बना लिए हैं। और अब एक काम करेंगे, ये जो आपने आखिरी में यहां पे 30 30 लेके गए थे, यहां पे ऊपर में हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखो ये हमने ऊपर ज्वाइन कर दिए, ऊपर एक हमें रेक्टेंगल मिल गया देखो। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो इंक्लाइंड सर्फेस आपको दिख रहा है इसका क्या मतलब है, ये जो इंक्लाइंड प्लेट आपको दिख रही है, ये देखिए वो बीच का हिस्सा है, ये जो बीच का इतना आपको रेक्टेंगल यहां पे जो दिख रहा है वो एक इंक्लाइन सरफेस है। तो वो यहां पे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपने 30 लिए हैं उसके बीचों बीच यहां पे ये देखिए इधर से 10 mm छोड़ देंगे और इधर से 10 mm छोड़ देंगे, और बीच में आपको यहां पे जो दो पॉइंट मिले हैं उसको एज अ इंक्लाइन सरफेस यहां पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहां से आपको ऑब्जेक्ट इमेजिन करने में आसानी हो जाएगी, ये देखिए ऐसा इंक्लाइन है वो, तो ये हम यहां पे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए तो फाइनली हमने इंक्लाइन सरफेस यहां पे बना लिए हैं, जो साइड व्यू में आपको ऐसा इंक्लाइन सरफेस दिख रहा है वो हमने यहां पे बना लिए हैं। और अगर आप यहां पे एक कॉर्नर अगर शो कर सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखो कॉर्नर शो करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर के पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पे वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये देखिए ये हमने बना लिए और यहां पे ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर से हम एक जेड एक्सिस के अलोंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो यहां पे कॉर्नर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहां पे हमने ऐसा कॉर्नर क्रिएट कर लिए, बिल्कुल ऐसा ही कंस्ट्रक्शन हम यहां पे पीछे भी करेंगे। और पीछे यहां पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए ऊपर से एक वर्टिकल यहां पे लाइन ड्रॉ करना है वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये हमने ड्रॉ कर लिए। और यहां से हम जेड एक्सिस के अलोंग जो है ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जेड एक्सिस को एक्जैक्टली पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो पीछे का हिस्सा बन जाएगा। देखिए फाइनली यहां पे जो पूरा आइसोमेट्रिक व्यू है वो यहां पे बन चुका है। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा, ये है वो थ्री डायमेंशनल व्यू जिसकी हम बात कर रहे थे। फ्रंट व्यू और साइड व्यू को देख के हमने यहां पे थ्री डायमेंशनल व्यू क्रिएट कर लिया है। ये देखिए फ्रंट व्यू में जो है ये नीचे का इतना जो पोर्शन है वो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये इतना ये जो बीच का रेक्टेंगल है वो आपको ये बीच का रेक्टेंगल ये दिखाई दे रहा है, देन इधर का रेक्टेंगल और इधर का रेक्टेंगल जो है जो आपको ये और ये ऐसा दिखाई देगा। तो ये हमने फ्रंट व्यू और साइड व्यू को देख के ऐसा बना दिए हैं। और अब हमें यहां पे मिसिंग व्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, यही आइसोमेट्रिक व्यू को देख के अब हम मिसिंग व्यू बनाएंगे। और आइसोमेट्रिक व्यू को देख के यहां मिसिंग व्यू ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो हमने इसके पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में यूज किए थे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में भी ऐसा ही कुछ थ्री डायमेंशनल व्यू दिया था और वो थ्री डायमेंशनल व्यू को देख के हमने फ्रंट व्यू बोलो या टॉप व्यू बोलो या साइड व्यू बोलो वहां पर हमने ड्रॉ किए थे, बिल्कुल वैसा ही हमें यहां भी ड्रॉ करना है। तो चलो अगर हमें यहां पर टॉप व्यू ड्रॉ करना है तो ये टॉप
टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमने थ्री डायमेंशनल व्यू बनाया है, ये थ्री डायमेंशनल व्यू में टॉप से देखने पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आप पहले शेडेड कर लो। इधर से देख के आप फ्रंट व्यू बना रहे ये तो कंफर्म है, इधर से देख के आप साइड व्यू बना रहे ये भी कंफर्म है, और ऊपर से देख के टॉप व्यू बनाने वाले हैं। तो अगर आप ऊपर से देख के टॉप व्यू बनाएंगे तो आपको जो भी दिखाई दे रहा है ऊपर से आपको जो भी सरफेस दिखाई देगा, क्या क्या दिखाई देगा, सबसे पहले आपको ये रेक्टेंगल दिखाई देगा ऊपर से, ठीक है, देन आपको ये रेक्टेंगल दिखाई देगा ऊपर से, देन ये रेक्टेंगल भी दिखाई देगा और ये रेक्टेंगल भी दिखाई देगा। जो भी दिखाई देगा उसको हम पहले शेडेड कर लेते हैं, शेडेड करने से ऑब्जेक्ट इमेजिन करने में आसानी होती है, देन आफ्टर हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट को टॉप से देखने पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो हमने यहां पे शेडेड कर लिया है, और वो हमें एज ए टॉप व्यू यहां पे टू डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करना है। अब वो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे फ्रंट व्यू के सभी प्रोजेक्शंस नीचे लेके आएंगे और साइड व्यू के प्रोजेक्शंस यहां तक हम वर्टिकल लाएंगे और फिर इधर ऐसे रोटेट करके इधर लेके आएंगे, तो आपको टॉप व्यू के लिए सभी प्रोजेक्शंस यहां पे मिल जाएंगे, फिर हम आसानी से टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। आप साइड व्यू के सभी प्रोजेक्शंस रोटेट भी कर सकते हैं, या तो 45 डिग्री इंक्लाइंड यहां पे एक लाइन बना के उसके ऊपर लाके फिर आप इधर लेके आ सकते हैं, वो भी चलेगा। अब ये चॉइस आपकी है कि आपको रोटेट करना है कि क्या। तो हम यहां पे एक काम करेंगे, यहां पे 45 डिग्री इंक्लाइंड लाइन हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे और 45 डिग्री इंक्लाइंड लाइन पे हम प्रोजेक्शंस लेके आके आसानी से यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। तो फाइनली हमने यहां टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए सभी प्रोजेक्शंस ला लिए हैं, फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शंस डायरेक्टली नीचे आ गए और साइड व्यू के प्रोजेक्शंस हमने सबसे पहले 45 डिग्री लाइन पे लाए फिर हॉरिजॉन्टली इधर ला लिए। तो यहां पे अब हम टॉप व्यू बनाएंगे और ये टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको टॉप व्यू का बेस और हाइट यहां पता करना पड़ेगा। टॉप व्यू का बेस उतना ही रहेगा जितना फ्रंट व्यू का बेस है, फ्रंट व्यू का बेस कितना है, फ्रंट व्यू का बेस 30 है, तो टॉप व्यू का बेस भी यहां पे 30 रहेगा। और टॉप व्यू का हाइट कितना, टॉप व्यू का हाइट उतना ही रहेगा जितना साइड व्यू का बेस है, साइड व्यू का बेस कितना था 30 था, तो यहां पे टॉप व्यू का हाइट भी 30 रहेगा। इसका मतलब यहां पे 30 बाय 30 के स्क्वायर के अंदर आपको पूरा टॉप व्यू ड्रॉ करना है। और जितना पोर्शन हमने शेडेड किया है, शेडेड पोर्शन के अकॉर्डिंग देखिए जो पोर्शन यहां पे ऊपर में है वो यहां बनते समय यहां पे ऊपर बनेगा और जो पोर्शन नीचे में है वो यहां नीचे बनेगा। तो सबसे पहले ये जो है ये देखिए ये जो रेक्टेंगल है वो ऐसा आड़ा है, वो यहां पे रेक्टेंगल जो है वो यहां बनते समय ऐसा बनेगा। इसके प्रोजेक्शंस यहां पे आ चुके हैं, ये देखिए ऊपर से ऐसे प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं यहां से ऐसे, बस ये प्रोजेक्शंस को ही आपको यहां डार्क करना है, तो यहां पे वो रेक्टेंगल मिल जाएगा, जो रेक्टेंगल आपने टॉप व्यू में वहां पे शेडेड किया है वो यहां पे आसानी से मिल जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले तो हम वो रेक्टेंगल यहां पे टॉप व्यू में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए, ये जो रेक्टेंगल है जो आपने शेडेड किए थे वो हमने यहां टॉप व्यू में बना दिए हैं। और अब जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये जो सरफेस है, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, ये एक जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है इंक्लाइंड वाला, ये आपको ऊपर से दिखते समय यहां पे आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा एज ए रेक्टेंगल दिखाई देगा। और इसके प्रोजेक्शंस देखो ऊपर से यहां आ रहे फ्रंट व्यू से, फ्रंट व्यू से इसके प्रोजेक्शंस आ रहे, तो यहां पे हम वो कंप्लीट कर लेंगे। ये यहां पे रेक्टेंगल जो है यहां पे दिखाई देगा टॉप व्यू में एज ए रेक्टेंगल, जो इंक्लाइन सरफेस है वो यहां पे ऐसा दिखाई देगा। तो ये देखिए ये हमने ये जो सरफेस है बीच का जो रेक्टेंगल है वो हमने यहां ड्रॉ कर लिए, और ये जो बाहर के ये जितने भी आउटलाइंस है वो हम यहां पे अब कंप्लीट कर लेंगे, और ये कंप्लीट करने से आपका यहां पे टॉप व्यू जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बाहर से ऐसा ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये देखिए ये काफी आसानी से ये हमने यहाँ टॉप व्यू जो है वो कंप्लीट कर लिए, और अब बस यहाँ पे डायमेंशंस लिखने की देरी है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मिसिंग व्यू इट मीन्स टॉप व्यू, तो ये देखिए ये हमने मिसिंग व्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। फ्रंट व्यू साइड व्यू का यूज करके सबसे पहले हमने यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाया, और वो आइसोमेट्रिक व्यू में टॉप से देखने पर जो भी पार्ट शेडेड दिख रहा था उसी को हमने यहाँ पे एज अ टॉप व्यू यहाँ पे टू डायमेंशनल व्यू उसका कंप्लीट कर लिए, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। ये था मिसिंग व्यू का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।